हेलो एवरीवन, सो वेलकम एमएस रोड के आगे के सेशन में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड 2007। तो दोस्तों, वन मोर थिंग, ये हम कर रहे हैं 2007, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ 2007 में ही परफेक्ट हो पाएंगे। अगर आप 2007 भी कर लेते हैं तो जो प्रीवियस और जो कमिंग जो आपके एमएस वर्ड के आपके वर्जन्स आएंगे उसको भी आप इजिली कर सकते हैं। ओके, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2007 भी तो आप कुछ भी आप कर सकते हैं, 2010 भी कर सकते हैं, और इससे पहले का 2005 वो भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, हम होम कर चुके थे, इंसर्ट भी कर चुके थे, आज हम करते हैं पेज लेआउट। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसके भी जरूरत नहीं है। व्यू, और व्यू में जाके हम ग्रिड लाइंस हटा देते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पेज लेआउट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का है टॉपिक थीम्स। थीम्स, ओके, थीम से पहले हम बात करते हैं पेज लेआउट। व्हाट इज पेज लेआउट? देखिए, पेज लेआउट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई पेज है और उस पेज में आपने कैसे उसको सेटअप करना है, कहां पर आपकी लाइन होने चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, कहां पर, फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज एक घर बनता है तो उस घर का एक लेआउट बनता है, कहां दीवारें होंगी, कहां पर डोर होंगे, कहां विंडोज होंगी। ओके, तो ये एक तरह का डिजाइन तैयार होता है उस घर का। तो ऐसे ही हम पेज का एक डिजाइन तैयार करेंगे, जहां पर लाइन का फॉर्मेट कैसा होगा, कलर्स, फॉन्ट्स और ग्रिड कितना होगा, मार्जिन कितना सेट होगा, बॉर्डर्स कैसे होंगे, वाटर मार्किंग कैसे होगी, तो अलाइनमेंट कैसा होगा, ये सब हम सीखेंगे पेज लेआउट में। ओके, तो अब हम चलते हैं थीम्स में। थीम्स ऑलरेडी यहाँ पर कुछ डिफाइन किया हुआ है थीम्स में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिस, एपेक्स, एस्पेक्ट, सिविक। ओके, तो ये थीम्स हैं जो प्री डिफाइंड है। इनमें से कोई भी थीम अगर हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थीम सिलेक्ट किया, तो अब इस पेज में जो भी टॉपिक में यूज करता हूं या जो भी टेक्स्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट यूज करूंगा, वो किसके हिसाब से चलेगा, मेरे इस थीम के हिसाब से, एपेक्स थीम के हिसाब से जो कि सिलेक्टेड है। ओके, चलिए कैसे। सपोज मैंने लिखा अब देखिए, ये आपको स्टाइल दिख रहा होगा, ये स्टाइल मैंने चूज नहीं किया, ये ऑलरेडी सेट है। क्यों ये स्टाइल यहां पर अप्लाई हुआ? क्योंकि हमने एपेक्स थीम यूज कर रखी है और उसमें कलरिंग भी आपकी ऐसे आएगी और स्टाइल भी ऐसा आएगा। अब मान लीजिए मैं ये स्टाइल यूज करता हूं, तो देखिए अगर मैंने ये थीम यूज किया तो इसमें स्टाइल चेंज हो गया, इसमें ऐसा स्टाइल हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, जो टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज होगा। अभी इसमें कलरिंग है और कैसे हम अपना खुद का थीम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आगे हम इस थीम में करेंगे। ओके, तो हमने एपेक्स लिया। अब एपेक्स में अब सपोज मैंने यहां कलरिंग की, ओके, इसका कलर चेंज किया, इंसर्ट, सॉरी होम, होम में आप देखते हैं कलर। तो कलर्स में भी जो हमने यूज किया है थीम कलर्स, उसी तरीके के कलर्स आपको यहां दिखाई देंगे। मतलब इमीडिएटली आपका एक कलर पैटर्न चूज करना थीम के बेसिस पे, जो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे वो थीम कलर्स यहां पर आपको डिफाइंड होंगे, और दीज आर स्टैंडर्ड कलर्स जो हम यूज करते हैं। एक बार और हम चलते हैं थीम कलर्स की ओर। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये यूज किया, ओके, ये थीम कलर हो गया पेज लेआउट। अब एपेक्स की जगह मैं यूज करता हूं दिस वन, और आप इन होम में जब आप जाएंगे फॉन्ट में, देखिए इसका थीम चेंज हो गया, राइट? तो थीम्स मतलब आपने प्री डिफाइंड एक सेट कर लिया यहां पर थीम, तो जो भी आप यहां पर फॉन्ट, साइज, टेक्स्ट कुछ भी यूज करेंगे, तो उसमें उसी थीम के अकॉर्डिंग कंटेंट, आपका कलर, फॉन्ट सब सेट होगा। ओके, तो अभी आप अपना एक थीम सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, आप रिसेट भी कर सकते हैं। ओके, मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, ऑनलाइन कुछ और थीम्स आप लेने हैं
वो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, नेट यूज हो, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउज फॉर थीम्स, कुछ और थीम्स हैं तो यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में है वो भी आप कैसे ना डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उस थीम को उठाया, ओपन किया और वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने खुद का एक थीम क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कलर्स में गए, क्रिएट न्यू थीम कलर्स, वो ही बताते हैं। तो अभी क्या है, मुझे एक थीम पसंद आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं इस थीम को सेव करंट थीम सेव कर दिया, तो यही थीम आपके यहां पर सेव हो जाएगा। थीम वन कभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्राउज किया और बोले थीम अप्लाई कर दी, थीम वन जहां पर हमने सेव किया था। ओके, देखते हैं थीम्स सेव करंट थीम, ध्यान रखना पड़ेगा कहां आपने सेव कर रखा है, डॉक्यूमेंट थीम्स पे। ओके, या हम कर लेते हैं इसको अभी एग्जाम्पल, हमने किया डेस्कटॉप। ओके, थीम टू सेव, तो इसी थीम को जो आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं उसे अप्लाई कराना है, तो ब्राउज थीम्स आपने किया डेस्कटॉप में जहां पर आपने वो सेव किया है, थीम टू अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो थीम्स के ऑप्शंस हो गए। अब बात आती है कलर्स की। देखिए, जो ऑफिस थीम लिया था हमने यहां पर, ऑफिस थीम, उसके कलर्स ये प्री डिफाइंड, ग्रे स्केल प्री डिफाइंड है, एपेक्स ये प्री डिफाइंड है। इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट किया या कलर्स लिया, एपेक्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू थीम, ये तो प्री डिफाइंड है, तो आप करेंगे क्रिएट न्यू थीम कलर्स, और आपने जो वहां पर सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कलर्स में आप गए, आपको पता है एपेक्स का ये है थीम, राइट, तो आप गए कलर्स में, क्रिएट न्यू थीम, जिस तरीके का आपने सिलेक्ट करना है, एपेक्स अपडेटेड या कोई भी और कलर आप थीम यूज करना चाहते हैं तो यहां से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से, हाइपरलिंक किस तरीके का हो, तो आपने सपोज ये कर दिया, तो इस तरीके की थीम आप यूज कर सकते हैं। ओके, सेव किया। ओके, फर्स्ट सेव, सेव करंट थीम, हमने किया थीम, डेस्कटॉप में एपेक्स अपडेट। ओके, नाउ थीम्स, ब्राउज फॉर थीम्स, अगर आपको यहां दिखता है ये तो स्टैंडर्ड है, जैसे थीम वन यहां दिखा है, तो अगर वो यहां अवेलेबल नहीं होता तो आप क्या करेंगे, ब्राउज फॉर थीम्स, और जहां पर आपने वो सेव किया है एपेक्स अपडेट, वो थीम यहां पर अप्लाई हो जाए। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही आप कलर्स, एपेक्स अपडेटेड थीम्स में वो कलर आप कर सकते हैं। फॉन्ट्स, अगर आपने खुद का फॉन्ट क्रिएट करना है ऐसे आप खुद का फॉन्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इफेक्ट्स, ये दिखाने के लिए इफेक्ट्स कैसे यूज होता है, एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं यहां से, इंसर्ट स्मार्ट चार्ट, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां हमने लिया एक हायरार्की में ये चार्ट ले, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, हायरार्कियल चार्ट। अब इसमें इफेक्ट कैसे दिखेगा, ओके, तो आपके पेज लेआउट इफेक्ट्स, देखिए ये इफेक्ट्स थोड़ा दिख रहे हैं आपको डिफरेंट, राइट, तो ये इफेक्ट्स हम, जो आपको इफेक्ट पसंद है, विच वन यू लाइक, आप उसे सिलेक्ट करें और ओके, तो वो इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, थीम्स, कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, ये हमारा थीम्स रिलेटेड यहां पर क्लियर होता है। ओके, अब बात करते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं,
आपके पास एक ब्लैंक पेज है, लेकिन आप देखते हैं कि जब भी आप टाइप करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले, होम इंसर्ट ब्लैंक पेज, ओके, तो आप देखते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है, ना कि यहां से स्टार्ट होता है। तो इतना जो पोर्शन यहां पर है, लेफ्ट राइट बॉटम अप, तो इसे बोलते हैं मार्जिन। यहां मार्जिन सेट कर देते हैं कि उतना एरिया ब्लैंक रहेगा, ओके। कई बार पेज को थोड़ा सही से दिखाने के लिए और थोड़ा सही भी लगता है पेज, ऐसे थोड़ा मार्जिन छोड़े जाते हैं, तो वो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं पेज लेआउट की हेल्प से। जैसे सपोज अभी आप देख रहे हैं ये जितना वाइट आपको दिख रहा है पोर्शन, इतने में ही हम टाइप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मार्जिन थोड़ा यहां से स्टार्ट हो या ये यहां से स्टार्ट हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आप मार्जिन में जाएंगे और आप ले सकते हैं नैरो मार्जिन। तो देखिए यहां से स्टार्ट, ओके, आप ले सकते हैं मिरर मार्जिन। तो ये देखिए यहां स्टार्ट हो गया मार्जिन, मतलब ये मार्जिन प्री डिफाइंड है, पहले अपने हिसाब से इसने सेट कर रखा है, ओके। तो इससे आप यहां से तो कर ही सकते हैं, बाकी आप देखिए यहां माउस ले गए, क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब जो आपका टेक्स्ट है वो यहां से स्टार्ट होगा, राइट, इसको अगर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस की हेल्प से, तो आपका टेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा। सो इट्स अप टू यू हाउ मच मार्जिन यू रिक्वायर, ओके। ऐसे ही आप यहां से कर सकते हैं, ड्रैग किया तो अब जो भी टेक्स्ट आपका टाइप होगा, ओके, वो आपका ऑटोमेटिकली यहां से रैप हो जाएगा, क्लियर। तो ये होती है मार्जिन, माउस से राइट क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया, ओके। उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे अभी हम ये जो लिख रहे हैं, आप देख रहे पेज ऐसा आता है वर्टिकल, आप अगर एक शीट हाथ में लेते हो और उसे सीधा पकड़ते हो तो उसकी अगर लेंथ वर्टिकली है ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, ओके। और अभी इसको हम थोड़ा टिल्ड कर दें तो वो हो जाती है लैंडस्केप, जैसे अभी हम ये पोर्ट्रेट में लिख रहे हैं, अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऐसे लेंथी शीट में प्रिंट आउट निकलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो टेक्स्ट है वो लैंडस्केप फॉर्मेट स्टाइल में निकले, तो उसके लिए आप सेट कर सकते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो अब देखिए ये पेज ऐसा हो गया, बिकॉज जब आप शीट पकड़ेंगे अपने हाथ में तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अब जो प्रिंट आउट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा लैंडस्केप, लाइक पेज इतना वाइड होगा, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग, वर्टिकल आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन जिसमें आ जाता है पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप जब आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं शीट को, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप, ओके। नाउ साइज, साइज क्या है कि आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं साइज, जैसे होता है कि आपने कभी प्रिंट आउट निकालना है तो अलग अलग साइज की शीट्स होती हैं और प्रिंट आउट भी निकालना होता है, तो जनरली हमारा A4 जो पेपर शीट होती है वो A4 होती है, उससे बड़ी होती है A3, ओके। ये स्टैंडर्ड है जो हमारी शीट्स आती है ड्रॉइंग शीट्स, बट A3 की भी आती है लीगल, कभी लीगल डॉक्यूमेंट या लेजर या नॉर्मल लेटर लिखने के लिए, तो वो साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपने A4 की शीट ली प्रिंट आउट के लिए और A4 का ही यहां पर सेलेक्ट किया, तो A4 में ही ये प्रिंट आउट निकलेगा, ओके। कई बार लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसके लिए हम लीगल स्टाइल देते हैं, लेटर नॉर्मल उसके लिए, और A4 स्मॉल, तो ये स्मॉल साइज आता है, ओके। आई होप मार्जिन्स ओरिएंटेशन साइज इट इज क्लियर टू यू गाइस। कॉलम्स, ये हमारा अभी पेज है तो इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम, क्योंकि हम सिंगल यहां टाइप कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए इसी पेज को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, टू कॉलम्स में डिवाइड करना, तो उसके लिए कॉलम्स आप करेंगे टू। तो देखिए एक तो आप यहां टाइप करेंगे, देख रहे हैं आप इसी पेज में एक ये पोर्शन बन गया वन कॉलम और दिस इज सेकेंड कॉलम। तो अब जब मैं यहां जाऊंगा, आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए सेकेंड कॉलम तो तब स्टार्ट होगा जब से ही हम यहां पर पूरा टाइप किया हमने, या एंटर करोगे तो उसके बाद ही आ जाएगा सेकेंड कॉलम यहां। कभी ऐसा फॉर्मेट भी अगर आपको चाहिए, ओके, इसी आप और ब्रेक कर सकते हैं थ्री कॉलम्स में, ओके, कॉलम्स लेफ्ट
राइट, ओके, ऐसे आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ओके। टेक्स्ट वही है लेकिन जो कॉलम्स है उनका साइज, मतलब ये साइज स्वैप हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें वन है, इसमें वन टू है। अब देखिए मैं करता हूं कॉलम्स लेफ्ट या राइट किया मैंने, तो देखिए वो कॉलम्स यहां क्या और ये कॉलम्स यहां, बट टेक्स्ट वहीं का वहीं। तो कई बार आप ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मोर कॉलम्स, तो आप और कॉलम्स चाहिए तो आप कर सकते हैं राइट, यहां से बढ़ा के स्पेसिंग या विड्थ, कॉलम कितने चाहिए आपको, ओके। अब ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, चलिए न्यू पेज लेते हैं पहले, इंसर्ट ब्लैंक पेज, यहां से कॉलम हम कम ही कर लेते हैं पेज लेआउट, तो हम कॉलम हमने किया वन, ओके। अब ब्रेक क्या होता है, ब्रेक जैसे मैंने यहां अपना पॉइंटर, मुझे इस पेज में ब्रेक करना है, आई मीन मैं चाहता हूं कि यहां तक एक ही पेज रहे और उसके बाद सेकेंड पेज स्टार्ट हो जाए। तो एक तरीका तो है कि आप एंटर प्रेस करते जाओगे और इसे मैनुअली नीचे ले जाओगे। सेकंड मेथड इज आप सिर्फ जाएंगे ब्रेक्स, आपने क्या पेज ब्रेक, तो देखिए जहां पर हमारा कर्सर था उसके ऊपर का पोर्शन एक पेज में आ गया बोला टेक्स्ट, और उससे नीचे वाला टेक्स्ट दूसरे पेज में आ गया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक, यू कैन से पेज ब्रेक। इसके बाद आपका आता है कॉलम, कॉलम ब्रेक भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहां लिखा ब्रेक्स कॉलम ब्रेक, ओके। अब ये कॉलम सेट नहीं तो कॉलम ब्रेक भी वो हो जाता आपका, जैसे हम अगर करें टू कॉलम्स तो आप देखिए वो कॉलम ब्रेक हो गया। एक्चुअली पहले हमें इसे नहीं दिखा क्योंकि वहां पर कॉलम्स थे ही नहीं, लेकिन अगर हम उसे कॉलम ब्रेक करते हैं और कॉलम्स दिखाते हैं तो वहीं से ही कॉलम ब्रेक हो जाएगा। या अगर देखिए मैं दिखाता हूं, मैंने यहां लिखा टू लिखा राइट, और इसे मैंने यहां रखा। अब मैं यहां पर करता हूं पहले तो कॉलम्स करता हूं थ्री कॉलम्स, ओके। अभी यहां पर है मेरा कर्सर वहीं का वहीं है, बट मुझे यहां से थर्ड कॉलम स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा ब्रेक कॉलम ब्रेक, तो अब देखिए यहीं से ही थर्ड जो कॉलम है वो स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग जैसे ये भी हम टाइप करते जा रहे हैं, तो सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। अब जैसे हमने यहां टाइप किया, तो रैपिंग क्या होता है कि कैप्शन टेक्स्ट टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट ये आप रैप कर सकते हैं डिफरेंटली। जैसे देखिए कह रहे सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। जैसे ये हम थोड़ा कैप्शन का मैं आपको यहां बताऊंगा पोजिशन में, वहां से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद है लाइन नंबर्स, हाँ ये भी अच्छा है। चलिए पहले हमें वन कॉलम करता हूं इसको। अब आपने यहां टेक्स्ट लिखा है तो अब इसमें लाइन नंबर देना, मुझे कैसे देंगे, ये लिस्ट तो है नहीं कि आपने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट में फिर आप बुलेट्स में गए, सॉरी होम में आप बुलेट्स में गए, तो जैसे आप नंबरिंग देते हैं यहां पर, ओके वो तो लिस्ट के लिए होता है राइट। बट वहीं से एक ये मेथड है आप ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड होता है जैसे आपने ये लिखा है कितने भी लाइंस लिखे पेज लेआउट लाइन नंबर्स आपने किया कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस यहां से ये नंबरिंग दे देगा, ठीक है। वो था लिस्ट, लिस्ट में जो आपने सेलेक्ट किया उसमें नंबरिंग होगा, लेकिन इस पेज में कितने नंबर्स कितने नंबर लाइन हम लिख चुके हैं तो वो आपका लाइन नंबरिंग आपको बता दे। और ये है रीस्टार्ट ईच पेज, ओके मैं इन दोनों थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूं आपको। यहां हमने टाइप किया, देखिए नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ 29 के बाद 30 आ गया, ये कंटिन्यू स्टार्ट हुआ लाइन नंबर्स, ओके। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी न्यू पेज स्टार्ट होगा तो ये उस पेज में दोबारा से वन स्टार्ट करेगी, देखिए हो गया ना, तो ये लाइन नंबर्स। उसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन, हाँ इसमें कुछ सेक्शंस भी होते हैं, कई बार मान लीजिए आपने सेक्शन बनाए पेज के अलग अलग डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं वहां पर आप नंबरिंग चाहते हैं, ओके तो वहां पर स्टार्टिंग से नंबर आ जाएंगे। पहले सेक्शन में सपोज 1 2 3
फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ वहां पर फोर लाइन से, तो 1 2 3 4 ओके। तो ये है आपका लाइन नंबर नंबरिंग ऑप्शंस, कैसे चाहिए आपको लाइन नंबरिंग आप ले सकते हैं, जैसे स्टाइल मार्जिन्स पेपर ए फॉर स्मॉल लेआउट सेक्शन स्टार्ट न्यू कॉलम। आप सेक्शन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूस न्यू कॉलम न्यू पेज इवन पेज ऑड पेज, तो ये सारे जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर कर सकते हैं। पेज सेटअप लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना आपको, 5 से 6 से ओके। तो आपके जो लाइन नंबर है हमेशा 6 से स्टार्ट होगी ओके। लाइन नंबर्स लाइन नंबरिंग ऑप्शंस ये सब आप सेट करके लाइन नंबर भी सेट कर सकते हैं। फॉर्म टेक्स्ट आपको कैसे चाहिए, काउंट बाय 1, देखिए लाइन नंबर तो मैंने 6 से स्टार्ट किया लेकिन मुझे काउंट बाय 3। अब देखिए क्या होता है, रीस्टार्ट ये सेक्शन या कंटिन्यूस, मैंने कंटिन्यूस किया, देखिए कुछ डिफरेंस हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ लेकिन गैप मुझे चाहिए 3-3 का, तो ये भी आप कर सकते हैं ओके। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ये देखिए आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहां से नंबरिंग तो मेरी स्टार्ट हो रही थी 6 9, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मतलब ये नंबरिंग है मैं इस पैराग्राफ से छोड़ के मुझे वो लाइन नंबरिंग इसमें इंक्लूड नहीं करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर्स सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो लाइन नंबर इसने उसको छोड़ एक्सक्लूड करके यहां से स्टार्ट होगा ओके। इसके बाद हाइफनेशन क्या है, कई बार क्या होता है आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लीजिए पेज का बॉर्डर है और यहां एक लेंथी टेक्स्ट है, सपोज यहां एक लेंथी टेक्स्ट आता है मेरे पास, दिस। अब ये क्या किया, इसने ऑटोमेटिक हाइफनेशन ना लेके इसने ऑटोमेटिक क्या किया, कंप्लीट टेक्स्ट नीचे चला गया, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि दिस अपॉइंट वहीं रहे और बाकी यहां पर आ जाए, दिस एप हाइफन, ये तो मैन्युअली हो गया, तो मैं चाहता हूं ये ऑटोमेटिक हो, उसके लिए यहां गए और ऑटोमेटिक किया ओके। दोबारा करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना, यहां पर अपने आप इसने हाइफनेशन लगा लिया, एक बार दोबारा करके देखते हैं, देखिए पहले इस सबको उठाते हैं और अब यहां पर हमने लिखा इस, देखिए क्योंकि हमने यहां पर हाइफनेशन ऑटोमेटिक कर रखा है, तो जहां पर भी इसका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये वहां पर ऑटोमेटिक हाइफन लगा के नीचे चला जाएगा रिमेनिंग टेक्स्ट। तो ये आ गया, जहां पर कंप्लीट टेक्स्ट होगा ये हमें दिखा दो, ये दिखाया इसने कि कंप्लीट टेक्स्ट है, तो ये यहां आ गया। नाउ नन, आप नन करना तो कुछ नहीं होगा, मैनुअल में आप कर ही सकते हैं, कहां लगाना आपने डिस के बाद या इसके बाद, तो वो आप कर सकते हैं ओके मैनुअली। इसके बाद आता है वाटरमार्क, वाटरमार्क ये तो आपका टेक्स्ट हो गया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ लिखा होता है, कुछ यहां पर टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट हल्का सा डिम होता है, कंप्लीट सही से विजिबल नहीं होता लेकिन हल्का हल्का दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। तो वाटरमार्क आप यहां से चूज कर सकते हैं जो आपने अपने पेज में लेना है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल आपने सिलेक्ट किया, तो देखिए ये पेज में यहां पर आ जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं वाटरमार्किंग, क्लियर। नाउ पेज कलर,
अभी तो वाइट है, मुझे चाहिए कि पेज कलर मेरा ऐसा हो, तो ये कलर भी हम चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ पेज बॉर्डर, कभी आपको बॉर्डर चाहिए पेज में, तो आप बॉक्स सपोज हमने ये लिया, उसका पेज बॉर्डर शेडिंग कैसे करनी है, आपने लिया ये डिफरेंट, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं चूज करके ओके करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर? तो पेज बॉर्डर, पेज बैकग्राउंड भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं पैराग्राफ। देखिए इंडेंटेशन जो हमने मार्जिन किया था वैसे ही कुछ है, इंसर्ट ब्लैंक पेज की हमने। ओके, तो अब देखिए इंडेंटेशन क्या होती है, हमने ये सिलेक्ट किया, मान लीजिए यहां क्लिक किया हमने इस पोर्शन में, और पेज लेआउट में हम आए इंडेंट लेफ्ट। ये देखिए ये जो हमने मार्जिन किया था ना सेट वहां पर, तो हमारा इंडेंटेशन यहां से स्टार्ट हो गया, इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट, फिर राइट साइड से। ओके, फिर स्पेसिंग, बिफोर आफ्टर, ये देखिए ये स्पेस आ गया हमारा। बिफोर जैसे मैंने यहां सेलेक्ट किया तो बिफोर आपका ये स्पेस आ गया ऊपर से। अब आफ्टर सपोज, अब इसके बाद अभी ये टाइप हो रहा हमारा राइट, लेकिन मैंने यहां स्पेस दिया या इसके बाद मैंने स्पेस दिया, ये स्पेस हो गया आफ्टर। अब देखिए जैसे ही मैं यहां पर एंटर मारता हूं, ये इतना स्पेस आ गया, तो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, बिफोर और आफ्टर। बिफोर इससे पहले कितना स्पेस होगा, आफ्टर इसके बाद कितना स्पेस होगा। ओके, तो ये हो गया पैराग्राफ रिलेटेड इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। अब हम आते हैं अरेंज में। अरेंज मतलब कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी पोजीशनिंग, उसको फ्रंट में रखना है, बैक में रखना है, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सब हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए जैसे हमने लिए एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक काम करते हैं एक पिक्चर ही लेते हैं, सिंपल पिक्चर्स, एक हमने पिक ले, ओके ये हमारी पिक आ गई। अब इस पिक में हम पहले तो डिसाइड कर सकते हैं पोजीशन, कि इस पिक की पोजीशन पेज में कहां हो। हमने सेट किया लेफ्ट, लेफ्ट साइड। अब हम राइट भी कर सकते हैं चूज, देखिए जहां से इसका स्टार्ट होगा मार्जिन इंडेंट, वहीं से लेफ्ट पोजीशन आपको दिख रहा है यहां पर पेज में, पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर, ये देखिए ये है राइट कॉर्नर, ये नहीं है पेज, पेज तो यही है, मतलब इंडेंट जहां से होगा ना वहीं से, अगर मैंने इंडेंटेशन या मार्जिन यहां से सेट किया तो दिस इज द राइट कॉर्नर। ओके, तो ऐसे ही आप सेंटर में कर सकते हैं, ये सेंटर में आ गया, तो डिफरेंट पोजीशन में उसको यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया पोजीशन। अब ब्रिंग टू फ्रंट, सैंड बैग। अब ब्रिंग टू फ्रंट, अब जैसे हमने वाले राइट लिए कैप्शन लेते हैं इसमें, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। हमने लिखे इंसर्ट कैप्शन, एग्जाम्पल हमने फिगर वन ले लिया, ओके राइट। अब मैं चाहता हूं ये फिगर वन है इसके ऊपर आ जाए, आ गया, लेकिन इसमें क्या है मेरी जो इमेज है वो बैक साइड में चली, मुझे अपनी इमेज फ्रंट साइड में लानी है, तो हम जाएंगे पेज लेआउट, ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, जिसको मैंने सिलेक्ट किया होगा ना उसी पे काम होगा, जैसे अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है तो सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। ओके, अगर उसे ब्रिंग टू फ्रंट करना है तो वो आगे आ जाएगा। तो कई बार ऐसे भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं राइट। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग, रैपिंग आपको पता ही है टाइट करनी है, टेक्स्ट रैपिंग और इनलाइन विद टेक्स्ट, देखिए बिहाइंड द टेक्स्ट। ओके, और जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया, टेक्स्ट है और ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया,
ऑब्जेक्ट पीछे चला गया तो इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आगे आ जाएगा, और हमारा जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया। तो इस तरीके की जो सेटिंग्स हैं आप ही कर सकते हैं। ओके, अलाइन, अलाइन सेंटर, पेज के सेंटर में आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद अलाइन लेफ्ट, यहां चला गया लेफ्ट साइड में, अलाइन राइट। तो इस तरीके से अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। और रोटेट, रोटेट, ये देखिए आपने सेलेक्ट किया रोटेट, मोर रोटेट ऑप्शंस आप कर सकते हैं। ये रोटेशन में सबसे बेस्ट आपको ये दिखाता हूं, ये लिया आपने क्या रोटेट 90 डिग्री, तो हो गया फ्लिप वर्टिकल। तो ये रोटेशन भी आप कर सकते हैं, और ये मैनुअल तो दे रखा है, क्लिक किया उसका रोटेशन कर लिया जितना आपने करना। आई होप दिस इज क्लियर। ओके ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप। अब देखिए अभी ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे शेप्स हमने लिया, इंसर्ट शेप्स, एक हमने ये शेप ले लिया। ओके, इंसर्ट शेप्स ये ले लिया, एक यहां से और ले लिया। अब देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, मल्टीपल शेप्स हो गए हमारे पास। अब कई बार क्या होता है ये अलग अलग है। ओके, मैं चाहता हूं इन सबको हम एक सिंगल ग्रुप में यूज करें। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन तीनों में एक जैसा काम करना है, या एट वंस इन तीनों को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करो अपने कीबोर्ड में, और तीनों को सिलेक्ट करो। तो ये तीनों भी हमारा सिलेक्ट सिलेक्शन हो गया है तीनों का। अब हम मूव करेंगे ग्रुप, ये दिख रहा है ग्रुप, यहां क्लिक किया और हमने इसको कर दिया ग्रुप। अब क्या होगा कि जब भी आप क्लिक करेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट में तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और तीनों में ही एक तरीके का एक जैसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया ग्रुप, रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं तीनों को एक साथ। अब ग्रुप के बाद अनग्रुप, अनग्रुप भी कर सकते हैं, राइट, है ना, इजी इंटरेस्टिंग फीचर। तो ये था आज का हमारा सेशन पेज लेआउट के ऊपर, जिसमें थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, ये सब इंक्लूड। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रेफरेंसेस, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाले हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए पेज लेआउट, तो जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए आप, और इसके बाद तो और बढ़िया है मेलिंग्स, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है मेलिंग्स, जनरली जो यूज होता है ऑफिस में। ओके, उसके बाद ज्यादा है तो सही। तो फ्रेंड्स फिर आज ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और इससे पहले भी कहीं भी नॉट पैड पेंट, एमएस वर्ड, एक्स, जो भी हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और दूसरी बात, अगर कोई और भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो कोई भी इशू हो तो आप वहां पर टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। ओके, तो बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो सही है, प्लीज सपोर्ट ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोस ला सकूं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे इसको और बढ़ा सकूं। ओके, वैसे एंड तक ले जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, एक्सेल, पावर पॉइंट, सी, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, फिर जावा, सेल्सफोर्स, ओके, नो लिमिट, एंड तक करेंगे इसको अगर आप सपोर्ट करते रहो। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।